Music of truth, that's what your college says, and how beautiful. I'm glad someone thinks of music as well in truth. Hum jyoti prakash ki bhi baat karte hain, gyan prakash satya, har educational institution ke usme logo mein kahin na kahin itni sundar cheeze lagi hoti hain. Gyan prakash satya duniya enlightenment, ye sab cheeze. Aur main yahan keh raha hu that this education system is nothing but a way of preserving, consolidating and transferring intergenerational inequalities. ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जितने भी इसके बड़े बड़े दावे हो, जितने भी सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए आपको भरमाने के लिए, सुंदर शब्दों का दुनिया में हर बुरी चीज के लिए कुछ सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो जैसे औरत को दबा के रखना हो, औरत को कहीं पर्दे में रखना हो, औरत को कहीं साइड लाइन में रखना हो, तो क्या कहते हैं, नारी देवी. देवी से कम नहीं बोलते, उसके बाद उसको साइड लाइन करना शुरू कर. तो दुनिया में हर बुरी चीज के लिए कुछ खूबसूरत शब्द होते हैं, और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल इस बहुत ही भयावह सच को छुपाने की कोशिश है कि हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था बड़े लोगों को बड़ा बनाए रखने, छोटे लोगों को छोटा बनाए रखने, छोटे मतलब जिनको समाज छोटा समझता है उन्हें छोटा बनाए रखने का एक की एक गारंटी है, उसका एक व्यवस्था है. अब ये बात अजीब लगेगी हम सबको सुन के, हम सब आते हैं इतना स्ट्रगल करते हैं, कोई कहेंगे, हम सब नेचुरली कहेंगे, नहीं सर मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं इतना पढ़ती हूं, और मेरी बहन इतना पढ़ी नहीं थी, उसके कम मार्क्स आए, मैं ज्यादा पढ़ी थी, मेरे ज्यादा मार्क्स आए, सिर्फ आप ये सब कैसे कह सकते हैं. ये बात सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा. इस सिस्टम में जब आप इनइक्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करेंगे तो 100% रिप्रोडक्शन नहीं होता, कोई भी सिस्टम 100% नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन, ये हमेशा 90-95% होता है. 95% हो जाए तो इट्स रीजनेबली सेफ, द रूलर्स आर सेफ. इस देश पे राज करने वाले सेफ हैं, अगर उनके 90-95% बच्चे ठीक ठाक पोजिशन पे पहुंच जाए और जो अंडर क्लास है उसके 2-5% से फालतू ना आने पाए, 2-5% आ जाए तो अच्छा ही रहता. हर साल आपने देखा होगा इसकी खबर बनती है कि कोई एक, इस बार जो खबर बनी थी ना कि कोई ढाबे वाला था, उसका बच्चा आईएएस अफसर बन गया था, ऐसी खबर आई थी. ऐसी चीज खबर क्यों बनती है सर, एक ढाबे वाले का बच्चा आईएएस अफसर बन गया, ये खबर की क्या बात है इसमें. एक आईएएस अफसर का बच्चा आईएएस बन जाता है तो खबर नहीं बनती. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब का बच्चा आईएएस बन जाता है ये तो खबर नहीं बनती. और इस देश में ढाबे वालों की संख्या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से तो ज्यादा ही होगी, तो खबर क्यों बनती है. खबर इसलिए बनती है क्योंकि ये आमतौर पे नहीं होता, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शन. खबर का आपने बेसिक लॉजिक सुना होगा, मैंने डॉग बाइट्स ए मैन इट्स नॉट न्यूज, मैंने मैन बाइट्स ए डॉग इट्स न्यूज. जो चीजें बहुत अनयूजुअल होती है, जो सामान्यतः नहीं होती है, सिर्फ वही चीजें खबर बनती है. अगर ये खबर आती है कि एक ढाबे वाले का, एक साइड अखबार के हॉकर का बच्चा कुछ बड़ा आदमी बन गया है, बड़ी नौकरी मिल गई है, तो क्यों होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट इज सच एन एक्सेप्शन. इट्स लाइक द मैन, ए मैन फाइटिंग ए डॉग, इट इज सच एन एक्सेप्शन दैट वी वर्थ, वी थिंक इट्स वर्थ मेकिंग ए न्यूज. सो 2-4-5% नीचे से लोग ऊपर आ जाए वो किसी भी सिस्टम में होता है, दैट्स अलाउड, दैट्स ऑलमोस्ट नेसेसरी. क्यों नेसेसरी है, वो सिस्टम को एक लेजिटिमेसी देने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं.